जब एक चाय वाला देश का प्रधानमंत्री बन सकता है तो मैं विधायक क्यों नहीं बन सकता, ये कहना है शिमला के डीके का, यानी कि देवेंद्र कुमार जी का, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी के टिकट के लिए आवेदन किया है। आइए जानते हैं कि क्या सोचकर इन्होंने पार्टी टिकट के लिए आवेदन किया था। बताएं आप, आपका नाम? मेरा नाम देवेंद्र कुमार रतन है, सभी लोग मुझे प्यार से डीके भाई बोलते हैं। डीके जी, आप कब से पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं? मैं 1982 से युवा कांग्रेस से जुड़ा था, और 1982 में जब मैंने युवा कांग्रेस ज्वाइन की, उस समय मैं वार्ड से सचिव था। 3 बार मैं वार्ड से युवा कांग्रेस का सचिव रहा हूं, 3 बार महासचिव रहा हूं, 1 बार उपाध्यक्ष रहा हूं, 1 बार अध्यक्ष रहा हूं वार्ड से युवा कांग्रेस से। फिर जो वार्ड की बड़ी कमेटी है उसके अंदर 3 बार मैं सेक्रेटरी रहा हूँ, 1 बार उपाध्यक्ष रहा हूँ, 3 बार मुखिया सलाहकार रहा हूँ, और इस समय मैं शिमला शहरी के अंदर उपाध्यक्ष हूँ, ये 3री बार उपाध्यक्ष हूँ। 3 बार मैं यहाँ से सचिव था और तीसरी बार में फिर मैं उपाध्यक्ष हूँ। आपने बताया कि आप 40 साल से पार्टी के साथ, कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, तो आपने क्या इससे पहले भी कभी पार्टी के लिए टिकट के लिए आवेदन किया था? नहीं, टिकट के लिए तो मैंने पहली बार अप्लाई किया है, जो कि आवेदन दिया है, क्योंकि पहले तो निःशुल्क नहीं था, इस बार निःशुल्क था, तो मेरी भी मंशा जागी कि मैं भी इस बार आवेदन कर ही देता हूँ। क्या सोच रही है आपकी? मेरी सोच है लोगों की सेवा करनी। हम जब घर से आते हैं, रास्ते में जब वार्ड से निकलते हैं, कहीं देखते हैं पानी की समस्या है, 5-5, 6-6 दिन पानी नहीं आ रहा है, कॉरपोरेशन पानी छोड़ ही नहीं रहा, पानी छोड़ने का पानी देता ही नहीं है। उसके अलावा वार्डों के अंदर सड़कें टूटी पड़ी हैं, नालियाँ टूटी पड़ी हैं, लोगों के घरों में पानी जा रहा है, नाले टूटे पड़े हैं। इन चीज़ों को देख के कई बार ऐसा महसूस हुआ कि यार कुछ बड़ा करना चाहिए।